नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह गऊगऊ से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने पिछले 3 वीडियो में देखा कि हमें छोटे फार्म और बड़े फार्म में क्या डिफरेंस है, डेयरी फार्म कौन कौन कर सकता है, और लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि अलग अलग ब्रीड्स अलग अलग फार्मर के लिए क्या सूटेबल है। तो आज हम आपको पशुओं के चारे के बारे में बताएंगे कि जो गाय है और उसको पूरे फार्म में, छोटा फार्म हो या बड़ा फार्म हो, उसकी जो डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिक्स होती हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चारा है TMR चारा, यानी टोटल मिक्स राशन। इसमें अलग अलग चीज़ें जो मिक्स हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि सबसे पहले जो है वो हरा चारा जो है एनिमल के लिए वो ज़रूरी है। हरे चारे 2 तरह के होते हैं, फलीदार गैर फलीदार, और सब जगह भारतवर्ष में वो उपलब्ध होते हैं, यानी खेती बाड़ी जो होती है वो सब जगह उनकी होती है। तो फलीदार चारे जैसे बरसीम हो गया, उस तरह के चारे, और गैर फलीदार चारे जैसे मक्का, जई, ज्वार, इस तरह बाजरा, इस तरह के चारे जो हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट पशु की, जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, वो हरे चारे की होती है। तो जहाँ हरा चारा अवेलेबल है वो हमें पशु के लिए चाहिए। जहाँ हरा चारा अवेलेबल नहीं है, जैसे शहरों के पास डेयरियाँ हैं, जो किसान भाई खेती नहीं करते, वो साइलेज का उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो साइलेज जो है वो 3-4 तरह का जो है बनता है। उसमें मक्का का साइलेज है, जौ का साइलेज है, जई का साइलेज है, गेहूँ का साइलेज है, और कुछ लोग गन्ने का साइलेज भी बनाते हैं। तो 4-5 तरह का जो साइलेज हमारा बनता है, हम उसको मिक्स कर सकते हैं TMR में अपनी उपलब्धता के अनुसार। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो सूखा चारा, जैसे कि भूसा, गेहूं का भूसा, पुराल और कड़ब, जो बाजरा या ज्वार की कड़ब होती है। तो हम इसको भी 1-2 किलो अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से इसमें TMR में मिक्स करते हैं, एनिमल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फाइबर की पूर्ति करने के लिए। चौथे नंबर पर जो है वो फीड आती है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बांट बोल देते हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें जो मिक्स होती हैं, जैसे अनाज हो गए, खले हो गई अलग अलग तरह की, चोकर हो गए, और बाकी सब चीज़ें जो इसमें चाहिए, जैसे सीरा हो गया, नमक हो गया, मिनरल मिक्सचर वगैरह हो गए। तो ये जो है ये मेन भूमिका निभाता है पशु से दूध निकलवाने में, जो हमारी फीड है वो भी इसके बीच में मिक्स होती है। उसके बाद हमारे 5वें नंबर पे जो है वो मिनरल मिक्सचर जो आते हैं, जो मिश्रण जो होते हैं, उसकी हम बात करें तो मिनरल मिक्सचर एनिमल की रिक्वायरमेंट के लिए, दूध की रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है। तो 2 तरह के मिनरल्स हैं, एक ट्रेस मिनरल्स हो गए और एक पूरे मिनरल्स जो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। तो सभी मिनरल्स का मिक्सचर है वो ब्रांडेड बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो उस किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। डोज उसके हिसाब से है कि किस कंपनी का कितना है। तो ये चिलेटेड भी आता है, नॉन चिलेटेड भी आता है। तो उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने फार्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उपलब्धता के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। मिनरल मिक्सचर के बाद आती है बारी नमक की। जो नमक है वो काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है फार्म में। तो उसमें हम 2 तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम फीड में उसको यूज़ कर सकते हैं पर क्विंटल के हिसाब से ऐड करके, मिक्स करके, और दूसरा जो है वो जो पत्थर में नमक जो आता है, जो पत्थर की शेप में होता है, उसको भी हम रख सकते हैं ऑप्शनल, कि अगर पशु को एक्स्ट्रा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उसको ले ले, अगर नहीं ज़रूरत तो जो फीड में उससे पूर्ति हो जाएगी। तो नमक जो है उससे काफ़ी पशु को फ़ायदे होते हैं, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, पशु पानी ज़्यादा पीता है, और कई चीज़ें हैं जो नमक उसमें हेल्प करता है। उस नमक के अलावा फिर 3-4 चीज़ें और, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक मीठा सोडा होता है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो मीठा सोडा जो हाई यील्ड एनिमल हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है, वो यूज़ होता है। उसके अलावा ईस्ट जो है हम यूज़ करते हैं कि एनिमल का जो खाना है उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। टॉक्सिन बाइंडर्स यूज़ होते हैं, बफर्स यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म करते हैं, और अगर आपकी फीड में ब्रांडेड फीड में नहीं है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने फार्म की ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे फ्रेश एनिमल हैं, जो ज़्यादा दूध वाले एनिमल हैं, उनको हम नॉर्मल जो किसान भाई हैं वो दलिया भी यूज़ करते हैं। तो दलिया जो है वो एनर्जी का एक बेसिक सोर्स होता है, जिससे कि एनिमल को एनर्जी मिल जाती है। तो दलिए में अनाज यूज़ होते हैं, गेहूँ या मक्का। उसके अलावा आप सोया, DOC जो हाई यील्ड एनिमल है उनके लिए यूज़ होती है। और तीसरा जो है वो गुड़। इन चीज़ों में हम, उसमें बहुत सारे किसान भाई हैं वो अजवाइन, सौंफ, इस तरह की चीज़ें भी डालते हैं। तो वो आपके एनिमल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो ये जो आपको 7-8 तरह की चीज़ें जो हमने बताई, ये सब चीज़ें जो है आपको फार्म पे चाहिए, आपका फार्म छोटा हो बड़ा हो। तो ये सब चीज़ों का किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि वो उनके पास अवेलेबल हो, नहीं हो तो उनको अवेलेबल करवाएं अपना डेयरी फार्म शुरू करने से पहले। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको ये बताया कि हमें पशु की खुराक में क्या क्या चाहिए, इसके अलावा जो पानी है, पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एनिमल के लिए। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो उसके, साफ स्वच्छ पानी एनिमल के लिए नहीं है तो पूरा दूध नहीं दे पाएगा और उसको कई तरह की बीमारियां हैं।
जैसे छोटा किसान भाई जो है वो कई बार झोड़ में अपनी भैंस को छोड़ता है, तो वो अगर झोड़ में से पानी पी के आती है और एक किसान जो है उसकी भैंस घर पे पानी पीती है, तो उसमें उन दोनों पशुओं में बीमारियां लगने का, पेट की बीमारियां, पेट के कीड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा। वो पशु जो गंदा पानी पी रहा है उसको पेट के कीड़े और इस तरह की अलग बीमारियां लगने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, और एक किसान जो साफ़ सुथरा पानी पिला रहा है। इसके अलावा जैसे हम जो पानी के लिए हमने कुंड बनाए होते हैं, उस कुंड की सफाई बहुत ज़रूरी है, उसमें किसी भी तरह की काई नहीं लगनी चाहिए। अगर कोशिश कीजिए कि उसमें आप टाइल लगवा दें और उसका पानी डेली साफ़ करें। गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी गर्म हो जाता है, कोशिश करें कि उसको दिन में कम से कम एक बार बदल के उसमें ताज़ा ठंडा पानी डले। और जैसे सर्दियों में है उत्तर भारत में, रात को टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक आ जाता है, तो उसमें जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो पशु उस पानी को नहीं पीता। तो सर्दियों में किसान भाई कोशिश रखें कि सुबह के टाइम जो पहले वाला पानी है उसको निकाल के उसमें ताज़ा पानी भरें, उससे पानी की इनटेक बढ़ेगी। पानी की इनटेक बढ़ेगी तो पशुओं को बीमारियाँ कम होंगी, दूध पशु ज़्यादा देगा और उसकी इनटेक भी बढ़ेगी, चारा खाने की इनटेक भी बढ़ेगी। जो हमने नमक बताया कि नमक रखना है ऑप्शनल, उससे भी पानी की इनटेक बढ़ती है। हमने बहुत सारे फार्मों पे देखा है कि पशु को खुराक मिलती है, सब कुछ पशु का सही होता है, पर वो वाटर इनटेक उनका कम होता है। तो अगर पानी का इनटेक कम है तो उससे भी आपकी प्रोडक्शन पूरी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि साफ़ पानी, अच्छा पानी, अच्छी जगह पे और हर समय जो है वो पशु के लिए उपलब्ध रहे, ताकि उसको पानी की कोई कमी ना आए। इसके अलावा अगर किसान भाई ये सब चीज़ें पशु के लिए मुहैया करवा देते हैं तो पशु में ज़्यादातर कोई इशू नहीं आता। और अगर इसमें से हम मान लीजिए, जैसे हमने पहले बात की कि हरा चारा और साइलेज, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और सिर्फ हम भूसे के साथ फीड दे रहे हैं, तो आप कितनी भी अच्छी फीड दे दो, पशु जो है वो अपने पूरे पीक पे, पूरे पोटेंशियल पे दूध नहीं दे पाएगा, और उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे लेमनेस आ जाती है, लंगड़ापन आ जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आती हैं। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि अपने पशु को पूरी संतुलित खुराक बना के दें। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या कोई भी चीज़ बहुत कम होगी तो पशु का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और आने वाले हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें हम एक एक चीज़ पर, जैसे हरे चारे, साइलेज, भूसा, फीड, मिनरल्स, नमक और सप्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों पे हम एक एक चीज़ पे एक एक एपिसोड बना के हर चीज़ को पूरा डिफाइन करेंगे कि अगर हरे चारे हैं तो वो कौन कौन से हैं और किस हरे चारे की क्या महत्वता है, ऐसी फीड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम हर सब चीज़ों का आपको जानकारी अगले एपिसोड्स में देंगे। तो इन सब की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है गऊ गऊ, वो हमने किसान भाइयों के लिए बनाया है, किसान भाइयों की सहायता के लिए बनाया है। अगर किसी भी किसान भाई को कोई भी डेयरी फार्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस आपको किस किस चीज़ पे, किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।